नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम पाथफाइंडर में स्वागत है। आज हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू निकले हुए पदों के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, निकले हुए पद कुछ इस प्रकार हैं: साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी। आप यहाँ देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एप्लीकेंट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में और डिपार्टमेंट ऑफ या डिपार्टमेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सीडरेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स हो बी लेवल का, या एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का, या ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर से, या मास्टर डिग्री हो एमएससी हो, या मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या मास्टर डिग्री हो एमटेक या एमफिल हो। आप यहाँ देख सकते हैं इसको अप्लाई करने की जो अधिकतम आयु सीमा है वह 40 वर्ष है। इसको जो अप्लाई करने की एप्लीकेशन प्रोसेस है वह 8 नवंबर 2021 से स्टार्ट होगा तथा इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वह 7 दिसंबर 2021 है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट recruitment/delhi.nielit.gov.in पर जाकर इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का जो माध्यम है वह ऑनलाइन है। आप यहाँ पे इससे रिलेटेड इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट तथा ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एग्जामिनेशन मोड है वह ऑफलाइन है। आप देख सकते हैं जो साइंटिस्ट सी है वह लेवल 11 की जॉब है और यह ग्रुप ए की जॉब है। इसको फॉर्म करने की आपकी एक पर्टिकुलर फीस भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरव्यू भी है, यहाँ पे पोस्ट जो टाइप है कॉन्ट्रेक्चुअल है। ये देखिए, अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप फोरम computer.exampathfinder पर आकर इससे रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।